निहाज किचन मिला में आपका स्वागत है। और आज फिर से किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं हाजिर हूँ। तो हमारी पहली टिप है इस तरह की बोटल्स के लिए जो अक्सर हम उठाकर रख देते हैं, या फिर फ्रिज की बोटल, एंड जब उन्हें निकालते हैं तो उनमें बहुत ही स्मेल आ रही होती है। या तो आप रखते ही टाइम उसमें कुछ न्यूज़पेपर इस तरह से भर के रख दीजिए, या फिर जब आप निकालें तो क्लीन करने के बाद उसमें कुछ टाइम के लिए पेपर भर दीजिए और उसे फिर से क्लीन कीजिए। देखिए सारी की सारी बोटल्स की स्मेल एकदम निकल जाएगी। सेकेंड टिप हमारी सर्दियों से रिलेटेड है। सर्दियों में आता है बाजरे का आटा, जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है एंड बहुत ही फायदेमंद भी होता है। लेकिन बाजरे की रोटी और पराठे आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बाजरे के साथ आप इसमें स्टफ़ कर दीजिए आलू प्याज, या फिर आलू बथुआ, इस तरह का आप कुछ भी स्टफिंग बना लीजिए। और जैसे एक स्टफ पराठा तैयार करते हैं उस तरह से इसका स्टफ पराठा बनाइए। देखिए ये कितना ज़्यादा टेस्टी होगा, बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा जब आप इसमें हरी वेजिटेबल यानी बथुआ वगैरह ऐड करेंगे। थर्ड टिप है हमारी इस तरह के बोटल्स या फिर जार के लिए। कई बार होते हैं जार एकदम टाइट हो जाते हैं, कितनी भी मेहनत करने के बाद जार ओपन ही नहीं होते, एंड हम लोग सोचते हैं क्या करें, जार खुल ही नहीं रहा है, उन्हें हम ठोकने लगते हैं साइड से या फिर कुछ भी, जिसकी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। कई बार स्टील तो चटक तक जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटी और आसान टिप है, एक बाउल में थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और इस पानी में हम इस जार को उल्टा करके यानी ढक्कन की साइड से रख देंगे, और आप देखेंगे उसमें जो भी वैक्यूम भर जाता है वो सारा का सारा रिलीज हो जाएगा और ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। फ्रेंड्स, आज इन बढ़िया बढ़िया किचन टिप्स के साथ क्यों ना बच्चों के लिए भी एक छोटी सी टिप बता दी जाए जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो और एज अ पेरेंट्स आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए एक छोटी सी टिप सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको और भी किचन टिप्स बताऊंगी। तो ये है, हम सारे के सारे ही पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए मैथ कभी भी बोरिंग ना हो बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। आगे उनके फ्यूचर के लिए भी मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनका मैथ में इंटरेस्ट दिन पे दिन डेवलप होता जाए। तो इसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है क्यू मैथ, जो केजी से लेकर 10th तक के बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन वे में मैथ सिखाती है। बच्चों को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता, उनकी सारी की सारी एक्सरसाइजेस को कवर करती है, उसी के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस भी वो इसमें कर सकते हैं मैथ चिप के द्वारा। और हाँ, इसमें पेरेंट्स का भी बहुत ही अच्छा रोल रहता है, उन्हें पता रहता है कि उनके बच्चों की क्या प्रोग्रेस चल रही है, वो कैसा कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको भी और बच्चों को भी डे बाय डे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाती है, जिससे बच्चे बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और आगे अच्छे से अच्छा करने के लिए हमेशा तत्पर भी रहेंगे। इसी के साथ इसमें जो बहुत ही अनोखी बात जो मुझे लगी वो है फेस टू फेस वीडियो कॉल और फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस। यदि बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या वो कहीं भी अटक रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो फेस टू फेस ऑनलाइन क्लास में उसको क्लियर कर सकता है। इसकी एक डेमो क्लास या फिर इसका एक ट्रायल आप चेक कर सकते हैं, जो इसकी दोनों ही तरह की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप यदि अपने बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, बच्चे का दिमाग मैथ में अच्छा रहे, तो आप इन दोनों ही लिंक को एक बार जरूर चेक। फिफ्थ टिप हमारी अगेन इस तरह के बाजरे या मक्के के पराठे के लिए। बहुत सारे लोग इसको नहीं बेल पाते हैं, तो आप इसको रोल करके ना बेलें बल्कि पहले एक लंबा बेल लें, उसके बाद आप फिर से रोलर को घुमाएं और इसको फिर से बेल लें, एंड आप सेकेंगे तो आप बहुत ही ईजीली सेक लेंगे। एंड इस पर जो रूखा आटा हमें डालना पड़ता है उसके लिए एक नीचे बड़ा प्लेट लगा लें, जिससे आपका काउंटर टॉप गंदा नहीं होगा और वो आटा बाद में आपके यूज़ में भी आ सकेगा। नेक्स्ट टिप है, कई बार होता है मिक्सी के जो जार होते हैं उनके ब्लेड बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्लीन करते टाइम हमें डर होता है कि कहीं हमारे हाथ वगैरह ना कट जाएं। तो आप देख सकते हैं ब्लेड पर या फिर उसके जो बहुत साइड के कॉर्नर हैं उस पर कई बार गंदगी आ जाती है। ऐसे में थोड़ा सा डिश सोप इसमें ही डालें और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा गर्म पानी, बहुत थोड़ा सा डालें, जिससे जब इस जार को हम चलाएं तो ये पानी ऊपर निकल निकल कर ना आए। तो ये देखिए इसका हमने ढक्कन बंद कर दिया है और अब इसको हम लगभग 1 मिनट के लिए चलाएंगे, 1 मिनट के लिए नहीं सॉरी, 1 पर चलाएंगे
और देखिए इसके साइड्स एकदम क्लीन हो गए हैं, आप देख रहे थे यहाँ साइड्स पर कितनी ज़्यादा गंदगी थी, और ब्लेड्स भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए इसके सारे साइड्स एकदम क्लियर हैं, ब्लेड भी क्लियर हो गए हैं। कई बार होता है कि ठंड के दिनों में नींबू इस तरह से अपने कलर चेंज कर देते हैं, यानी गल जाते हैं और थोड़ा से ख़राब ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में यदि आपको नींबू को सिक्योर रखना है तो आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा, आपके पास इस तरह के नैपकिन पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे नींबू को अलग अलग पेपर में रैप कर लें और उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में इसको रखें, और उसके बाद आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप बाहर भी इनको रख सकते हैं, बट इनको फ्रिज में रखेंगे तो ये लंबे टाइम तक चलेंगे। कई बार होता है कि अदरक बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जब अदरक सस्ता होता है उन्हीं दिनों में आप थोड़ा सा अदरक लें और उसको कद्दूकस करके रख लें, बारीक साइड से इसको कद्दूकस करें, और इस कद्दूकस किए हुए अदरक को धूप में सुखा दें। आप देखेंगे 2 या 3 दिन में जब हम इसको प्लेट में फैला कर रख देंगे तो ये 2-3 दिन में ही सूख जाएगा, और आप चाहे तो सूखे हुए अदरक को पीस भी सकते हैं या फिर एज इट इज़ रख लीजिए। बस सूखा हुआ अदरक आप एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए, जिस भी सीज़न में अदरक महंगा हो जाए आप इस अदरक को डाल दीजिए, और देखिए एकदम सब्ज़ी में बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा, और चाहे तो इसको पीस के इसकी सॉल्ट भी बना लीजिए। कई बार होता है कि यदि आप कोई भी फ्रूट्स कट करते हैं, स्पेशली एप्पल वगैरह जिसमें आयरन मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो एकदम ख़राब हो जाते हैं एयर के सीधे डायरेक्ट जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं, एयर कांटेक्ट में। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपको, मान लीजिए आपने एक एप्पल लिया है और उसमें से आधा ही कंज्यूम किया है और आधा बच गया है, तो ऐसे में अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो उस हाफ एप्पल को आप फॉइल पेपर से कवर कर दीजिए। आपके पास फूड रैपिंग पेपर है तो आप फूड रैपिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो फॉइल पेपर तो हर किसी के घर पर होते ही है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है फॉइल पेपर जब आप निकाल रहे होते हैं तो आप इसको इसके सीधे कंडीशन में रखते हैं, जिसकी वजह से आपका ये ठीक से नहीं निकलता। एक तो जैसे मैंने इसको राउंड करके रखा हुआ है वैसे रखें, और कई बार होता है ये निकल निकल के बाहर आता है इसका पूरा रोल, तो इसके साइड्स में आप देखेंगे इस तरह से कुछ निशान होते हैं, इस निशान को आप एक नाइफ से पहले कट कर लें, हल्का सा आप कट लगाएंगे और ये इजीली कट हो भी जाएगा। और उसके बाद दोनों साइड्स इसकी इस तरह से हम इसके अंदर कर देंगे। अब देखिए रोल को आप कितना भी खींचिए वो बाहर निकल निकल के बिल्कुल भी नहीं आएगा, केवल पेपर आएगा, जिसकी वजह से आपका पेपर प्रॉपर अच्छे तरह से ही कटेगा। अब एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक गाजर का हलवा बनाने के लिए, इसमें ना आपको गाजर को घिसने की ज़रूरत है ना पीसने की ज़रूरत है, ये ट्रिक आपको शायद ही किसी ने दिखाई होगी। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और जितनी गाजर का आपको हलवा बनाना है उतना घी, और बहुत थोड़ा सा दूध, बस इतना दूध कि इसमें सीटी इजीली आ जाए। तो हमने गाजर के पहले बड़े बड़े टुकड़े कर लिए थे, और आप चाहें तो बीच का यदि डंठल निकालना चाहते हैं तो डंठल निकाल कर इसके टुकड़े कर लीजिए, लगभग 2-3 सीटी आने दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे गाजर एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। उसके बाद इस तरह का एक मैसर लें और इस गाजर को अच्छे से मैश कर दें। इसमें स्टार्टिंग में दूध आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज दूध फट सकता है, तो आपको दूध बस थोड़ा सा ही डालना है इसमें, एंड घी डालना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि घी से ही ये भुनेगा बाद में। ये देखिए हमारा गाजर एकदम बढ़िया सा कद्दूकस हो चुका है यहाँ पर, और इसमें डालें फिर थोड़ा सा चीनी, और आपको यदि झटपट से तैयार करना है तो आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, और यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इस केस में खोआ डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा और दूध डाल दें, बट इसको आपको थोड़ी देर खदकाना पड़ेगा, जो नॉर्मल दूध होता है आधा कप दूध और डाल दें और फिर इसको खदकाएं, हल्का देर तक खदकाएं जिससे ये अच्छे से भुन भी जाए।
और इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा आपका इतनी आसानी से तैयार हो जाएगा कि यदि कोई गेस्ट आपके घर पर सडनली आ भी गए हैं तो आप उन्हें झटपट से ये हलवा बनाकर खिला सकते हैं। इसमें ऊपर से थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें, किशमिश और थोड़े काजू डाल दें और देखिए ये कितना ही बढ़िया लग रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। तो आज के ये टिप्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और न्यास किचन बेला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, घंटी दबाना मत भूलें।